ओडिशारे काहीं की हारिला विजु जनता दल साक्षात्कार दे कहिले धर्मेंद्र प्रधान निर्वाचन रणनीतिर कले खुलासा। मोदी जी के ऊपर वहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ा भरोसा था। वहाँ की स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार, खराब शासन प्रणाली, मिस गवर्नेंस और लोगों के प्रति संवेदनहीनता की एक पीक तक पहुंच चुके थे, उसके ऊपर लोगों की नाराजगी था। ओडिशा रे 24 वर्ष धरी गोटे सरकार थिबा बळे 24 साधारण निर्वाचन रे एमिति कोन हला जे बीजेडी हारी गला। इनि साधारण रे अनेक प्रश्न आसुथिबा बळे जातीय गणमाध्यम को साक्षात्कार दे ए जटिल गणित रो सरल सूत्र बताइछंती केंद्र शिक्षा मंत्री तथा संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान, जहाँ को नहीं दिल्ली रू भुवनेश्वर सबुठी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के नाते 2019 में उभर चुका था और 2024 आते आते पार्टी ने तय किया हमें एक पूरी ताकत लगा के वहाँ सामर्थ्य दिखानी है। राजनीति में कोई भी पार्टी की कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, इसलिए राजनीतिक पार्टी भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट में विश्वास रखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको पॉलिसी बनाई है। ओडिशा रे एकाकी सरकार करिछि बीजेपी, केमिति थिला पूरा प्रस्तुति, केबेटु प्लान करिथिला भाजपा। 14 रे केंद्र रे मोदी सरकार आसीबा परे ओडिशा को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाउथला। राज्यर विकास केमिति हेबो, केमिति अनुदान बढ़िबो, सेनि मोदी निजे तदारक करथुले। सेति पई तो 19 रे मुख्य विरोधी दलर आख्या पाइथिला बीजेपी, 24 रे एकाकी सरकार कला। रणनीति संपर्क रे खुलासा करी धर्मेंद्र कहिछंती ओडिशा रे बीजेपी सरकार गढ़िबा को 2017 पंचायत निर्वाचन रु प्रस्तुति को जोरदार करा जायथिला। 2019 रे दल द्वितीय स्थान को आसीथिबा बळे 2014 रे मैजिक नंबर हाते एकाकी सरकार करिछि। और मेरा 2014 के बाद एक पंचायत चुनाव हुआ, 2017 में, 2019 में एक चुनाव हुआ। ये सारे चुनाव में एक पैटर्न था, वहाँ एक स्थानीय नेतृत्व था, हमारी पार्टी की अपना एक ताकत थी, लेकिन उसके ऊपर कॉन्सिस्टेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऑल इंडिया एक्सेप्टेंस रेटिंग अगर सबसे कोई 2-3 प्रांत में होता था, उड़ीसा में होता था। मोदी का लोकप्रियता, बीजेपी ऊपर ओडियां का भरोसा। 24 रे बदली गला राज्य राजनीति रो पानीपाग। मोदी का लोकप्रियता ओडिशा रो राजनीति पट परिवर्तन करिबारे बड़ साहाज्य कला, खासकर भ्रष्टाचार कुशासन राज्यवासी प्रति संवेदनहीनता कारण पूर्व सरकार को नहीं लोकों मध्य पुंजीभूत असंतोष और आक्रोश बीजेपी विजय रास्ता सफा कर देता। यहस ओडिशा रे संपूर्ण शक्ति लगाई लड़ाक केन्द्रीय बीजेपी सबुज संकेत देता। खाली एति नुहे, ओडिशा रे क्षमता हड़पाई अणओिया षड्यंत्र करुवा बेले ओडिया अस्मिता कथा उठाई लोकप्रियता साउटी बीजेपी। वहाँ की जनता के सामने ही हमने अल्टरनेटिव आइडिया दिया, अल्टरनेटिव कल्पना रखा, उड़िया अस्मिता, क्योंकि वहाँ उस प्रदेश में उड़ीसा की नेतृत्व को हड़पने का एक बैकडोर एंट्री का एक प्रयास हुई थी, उसके ऊपर एक रिएक्शन था समाज में। भारतीय जनता पार्टी उड़िया अस्मिता, जो हमारी देश की सभ्यता है, हम एक राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र, एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र की मान्यता के साथ साथ बहुविध भाषा संस्कृति, इसको लेके भी हम लोग प्राइड है। ओडिशा रे होइतला संस्कृति और परिचय पर लड़ाई, मोदी को नेतृत्व ऊपर भरोसा करथिले राज्यवासी। बीजेडी सरकार समय रे ओडिया अस्मिता विपद रे पड़ीथिला। प्रधानमंत्री को परामर्श क्रमे राज्य संस्कृति और परिचय को नहीं लड़ाई करने को प्रस्तुत होइतला बीजेपी। बीजेपी रे विजन को भरोसा करथिले राज्यवासी, यार फायदा दल को मिलता धर्मेन्द्र कहवा सहित पूर्व जहाँ पाखे ओडिशार क्षमता डोरी से राज्यवासी को न्याय देना बरम धोखा देखते बोली धर्मेन्द्र कहवा सह प्रति कर्मी और नेता निर्वाचन विजय श्रेय देते। एक राज्य की सांस्कृतिक पहचान को जो इस बार चुनाव के पहले खतरे में था उसको स्वीकृति दिया, प्रधानमंत्री जी ने हमें अनुमति दिया और खुद उस विषय में कहा कि उड़िया अस्मिता को हम हनन नहीं होने देंगे, और वहाँ के स्थानीय नेतृत्व उसको जब मुद्दा बनाया उस पर उड़ीसा के लोग भरोसा किए। देखिए, मेरा एक ब्रॉडली मानना है राजनीति एक डायनेमिक चीज है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस चिस्टा। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।